दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो है सावन के महीने में ये सुहाग की चीजें हमें चढ़ानी है माता पार्वती को, तो ये किस दिन चढ़ाएं? जैसे कि सावन का सोमवार जो महिलाएं व्रत करती हैं वो सोमवार को चढ़ाएं, कि बहुत सारी महिलाएं प्रदोष का व्रत करती हैं प्रदोष के दिन चढ़ाएं, महाशिवरात्रि जैसे आती है तो हर महीने एक शिवरात्रि आती है तो उस शिवरात्रि के दिन चढ़ाएं, किस दिन सुहाग की 16 सामग्री जो चढ़ानी है सौभाग्य में वृद्धि के लिए, पति की उम्र लंबी हो, हमारे घर में सुख समृद्धि हो, माता पार्वती माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो, तो ये किस दिन चढ़ानी है? और सबसे ज्यादा प्रश्न है कि हमें घर में चढ़ाना है या फिर मंदिर जाकर चढ़ाना है, कहाँ पर ये सभी चीजें हम चढ़ाकर उसे हमें कैसे दान करनी है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम जानेंगे सुहाग की सामग्री को हमें कहाँ पर चढ़ाना है और कैसे दान करना। बहुत सारी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में सभी कंफ्यूजन को हम दूर करते हुए आपको सही समय और सही स्थान बताने वाले हैं। और ज्यादातर ये भी सवाल है कि जैसे कि हरे रंग का बहुत महत्व है तो हम सभी ने अपने हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहन रखी हैं। आप में से कितने लोगों ने हरे रंग की चूड़ियां पहनी हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्या हरे रंग की चूड़ियां या फिर हरे रंग की साड़ी ही हम माता पार्वती को चढ़ाएंगे, अन्य कलर के नहीं चढ़ा सकते हैं? ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो जो ये हरे रंग की चीजें हैं ये सावन के महीने में यदि आप माता पार्वती को चढ़ाते हैं तो अति उत्तम है, वरना आप किसी भी रंग की, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे पीले रंग का साड़ी लिया हुआ है और इस पे 16 सामग्री जो होती है सभी चीजें आप रख सकते हैं या जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप रख सकते हैं। तो ये जैसे ये हरी चूड़ी है और यहाँ पर ये इस कलर की चूड़ियां हैं, तो ये चूड़ी भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हरे रंग का ही लेकर आए, यदि मिल जाती है आसानी से तो आप ले ले, वरना ये चूड़ी आप ले सकते हैं। और श्रृंगार की चीजों में बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि क्या क्या चीजें हैं, तो ये है हमारी साड़ी यानी कि चढ़ाने वाली, और ये बिंदी है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं या फिर आप कलरफुल भी ले सकते हैं या फिर जो प्लेन वाली आती वो भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पति की आयु लंबी नहीं होगी या माता पार्वती रुष्ट हो जाएंगी। ऐसा आप अपने मन में भ्रम ना रखें। भक्त श्रद्धा से पूर्ण भक्ति से जो भी हम देवी देवताओं को अर्पित करते हैं वह उन्हें स्वीकार होती है, सिर्फ हमारे भाव की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जैसे कि मेहंदी आप रख लीजिए, सावन के महीने में मेहंदी हम सभी महिलाएं लगाती हैं वो आप रख लीजिए। आलता और ये जो सिंदूर होता है ये सौभाग्य में वृद्धि का कारक है तो ये आप रख लीजिए। और हो सके तो लिपस्टिक और नेल पेंट वगैरह, आप ये मत सोचिएगा मैंने हरे रंग का रखा है, ये मैं अभी न्यू लेकर आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ देवी माँ को चढ़ा के प्रसाद के रूप में हम खुद लगाएंगे इसलिए हमने ये रख लिया है। और यहाँ पर ये है इत्र, तो ये सभी छोटी छोटी चीजें होती हैं भगवान भोलेनाथ के लिए, जनेऊ है, और ये है कपड़ा भोलेनाथ के लिए, और ये साड़ी तो माता पार्वती के लिए है, साड़ी के साथ में ये लहंगा यानी कि पेटीकोट जो होता है, तो ये सारी चीजें हम माता को अर्पित करेंगे। अब जैसे कि बहनों ने पूछा था कि जिनके पास साड़ी नहीं है तो आप इस तरह से चुन्नी भी आती है मार्केट में, छोटी सी चुन्नी होती है 20 से 25 रुपए में आसानी से आपको मिल जाएगी, तो आप इन चुन्नी पर भी सारी सुहाग की चीजें रखकर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साड़ी ही खरीदें, बहुत सारे लोगों का बजट नहीं होता है तो उनको बहुत सारा भ्रम हो जाता है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से आप माता पार्वती को सिर्फ सिंदूर चूड़ी और बिंदी भी चढ़ा सकते हैं या फिर पूरी चीजें भी चढ़ा सकते हैं। इन सभी को करते हुए आपको किस दिन चढ़ाना है ये ज्यादा मायने रखता है। तो आप यदि सोमवार का व्रत कर रहे हैं, जैसे कि इस बार 10 जुलाई से बहुत सारी महिलाएं और कुछ लोग 4 जुलाई से भी व्रत की शुरुआत कर चुके हैं, तो यदि आप कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, आने वाले 10 जुलाई को यदि आप व्रत करेंगे तो उस दिन भी पहले दिन भी आप चढ़ा सकते हैं या फिर बीच में शिवरात्रि पड़ेगी, जैसे कि 16 जुलाई को शिवरात्रि पड़ रही जो महीने वाली शिवरात्रि है उस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, तो आप उस दिन भी माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ के नाम समर्पित होता है तो आप सावन के महीने में कभी भी किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस दिन ही, लेकिन यदि खास तिथियों में खास दिनों में करेंगे तो और अधिक आपको लाभ मिलेगा।
पूरा सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के नाम समर्पित है, ये आप सबको पता है। जैसे कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु के नाम समर्पित है। तिथियों की हम बात करें तो गणेश जो चतुर्थी तिथि होती है भगवान गणेश के नाम समर्पित होती है। इसी तरह से कुछ खास तिथियां, कुछ खास जो दिन होते हैं वो देवी देवताओं के नाम समर्पित होते हैं। तो यदि हम उस दिन वो कार्य करते हैं तो उसका अधिक हमें लाभ मिलता है। तो बस परेशान ना हो, घबराए नहीं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने श्रद्धा भाव से ये देवी देवताओं को अर्पित करें। अब देखिए, बहुत सारी बहनों ने पूछा था क्या हम अपने नंदों को दे सकते हैं या ब्राह्मणी को ही देना जरूरी है। तो यदि आपके नंदे आसपास हैं तो ये सुहाग की चीजें आप उनको भी दे सकती हैं। यदि आपके नंद की बेटियां हों तो आप ये सुहाग की चीजें उनको भी दे सकते हैं। बेटियां 100 ब्राह्मण के बराबर होती हैं, तो यदि आप 100 ब्राह्मणी को दान नहीं कर सकते हैं तो अपने नंद की बेटियों को सुहाग की चीजें यदि आप दान करते हैं तो आपको 100 ब्राह्मणी के जितना दान करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। तो आप देवी माता को चढ़ाएं और एक दो चीज, जैसे कि आपने चूड़ियां चढ़ाई तो दो चूड़ियां आप ले लीजिए, एक बिंदी रख लीजिए और अपने हाथों में पहन लीजिए। बाकी चीजें आप अपने ननद की बेटी को दे सकती हैं, अपनी ननद को दे सकती हैं या फिर मंदिर में ब्राह्मणी को दे सकती हैं, लेकिन श्रावण के महीने में ही देना चाहिए। जैसे कि अधिक मास लग रहा है, 18 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, तो आप अधिक मास में भी दान कर सकते हैं क्योंकि ये इस बार 2 महीने का श्रावण का महीना है। वैसे तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, उस महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो आप माता लक्ष्मी को भी अर्पित कर सकती हैं। यदि इन दिनों में आपको नहीं अरेंज हो पा रहा है तो आप पुरुषोत्तम मास में भी ये सारी चीजें अरेंज कर चढ़ा सकती हैं और दान कर सकती हैं। व्रत की हम बात करें तो बहुत ज्यादा व्रत आप ना कर पाए, जैसे कि जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो प्रदोष का कर ले। यदि सावन के सोमवार का व्रत रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं। इस बार 8 पड़ रहा है तो 8 न रख के आप 4 व्रत रख सकती हैं। उसके बाद जो 2 शिवरात्रि पड़ेगी या 2 प्रदोष पड़ेंगे वो आप रख सकते हो। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां आप सभी के मन में रहती हैं कि हमें कैसे चढ़ाना है, क्या करना है, और पूजा मैंने करके दिखाई है। प्रतिमा की पूजा आप अपने घर में कर लें और मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकती हैं। पूरे महीने यदि आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं तो सिर्फ एक लोटा जल और बिलपत्र काले तिल मिलाकर पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि आप शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करती हैं तो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जितनी भी हमारी ये बहनें हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो विवाह के लिए इच्छुक हैं, तो आप ये सुहाग की चीजें मंदिर में जाकर माता पार्वती का श्रृंगार कराएं। यदि आप अपने घर में रुद्राभिषेक कर रही हैं तो भी आप माता पार्वती को चढ़ाकर पंडित पुरोहित को दान कर सकती हैं। सभी, चाहे आप कुंवारी हो, चाहे आप सुहागन स्त्रियां हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग सुहाग की चीजें मंदिर में दान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहती है ना कि हमारा विवाह नहीं हुआ है तो हम सिंदूर या मेहंदी या जो भी लड़कियां हैं वो कैसे व्रत करें। तो लड़कियां भी बिल्कुल उसी तरह से श्रृंगार करती हैं, उसी तरह से आपका व्रत फलाहार होता है, तो सुहाग की चीजें भी आप चढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सुहाग की चीजें नहीं चढ़ा सकते हो, बिल्कुल आप चढ़ाएं। अपने घर में पूजा पूर्ण श्रद्धा भाव से पाठ मंत्र ये सभी हम करते हैं, लेकिन जल हम मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं। यदि किसी कारण से आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही चढ़ा ले। पूरे महीने कभी तो मंदिर आप जाएंगे तो उस दिन आप वो चीजें ले जाके दान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी। की पूजा साकार और निराकार दोनों रूपों में की जाती है, तो जो भी आप कर सके करें। यहाँ पर इत्र लगा रहे हैं क्योंकि किसी भी देवी देवता की पूजा में इत्र बहुत मायने रखता है। इत्र की खुशबू से हमारे जीवन में शुक्र प्रधान होता है और शुक्र ग्रह अच्छा भी होता है, इसलिए आप इत्र ज़रूर लगाया करें। और यहाँ पर भोग है तो दूध से बनी मिठाइयाँ हमने ली हैं और ऋतु फल ली है। एक साथ ही फल और मिठाइयाँ जो भी है सभी देवी देवताओं को आपके एक साथ लगा देना है। तदुयम अस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, यानी कि जो भी आपका दिया हुआ है वह हम आपको अर्पित कर रहे हैं। और घंटी की ध्वनि करनी चाहिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो घंटी की ध्वनि भोग में, जब भी हम कोई चीज़ अर्पित करते हैं उसमें ज़रूर करना चाहिए। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि घंटी की ध्वनि हमें कब कब करना है, तो वो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हो। और प्रणाम कर लेना है,
अब यहाँ पर हम श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करेंगे। तो श्रृंगार में भगवान गणेश को और भोलेनाथ को, कार्तिकेय दी को, इस तरह से जो भी आपके पास वस्त्र है आप पहना दें या रख दें। और माता पार्वती के लिए सभी श्रृंगार की चीज़ें